काफी स्पष्ट है, एग्जिट पोल ने बलता बलता दिखाया होगा, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके आई है और हमारे जो कायदे कानून बताते हैं कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। ट्रेलर अभी हुआ है, बाकी पूरा पिक्चर अभी बाकी है, वो आने वाले समय में आपको पिक्चर में बाहर आ जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। 2019 की लाइन स्पष्ट है, मोदी मोदी और मोदी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मोदी जी ने जो जो काम किया है उस कामों पर जनता का पूरा विश्वास है और जनता का सहकार्य निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। सर, वर्तमान में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीते दिनों जब अमित शाह नागपुर में आए थे तो कुछ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लिख के ले लीजिए कर्नाटक भी जीते। दक्षिण भारत में लंबे समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई, इसको किस रूप में देखते हैं और 2019 के परिप्रेक्ष्य में इसको किस रूप में? निश्चित रूप से दक्षिण में ये हमारी विजय यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में 2019 के लिए ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ घड़ी है। यहाँ से हमारा अभी ये यात्रा जो है ये प्रारंभ हुई है। ये 2019 की लोकसभा निश्चित रूप से फिर से मोदी जी को इस देश का पंतप्रधान बनने के बाद में ही रुकेगी।